वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे पूरियां। सॉरी गाइस, इतने दिनों से वीडियो नहीं आ पा रही थी क्योंकि मेरा मोबाइल ख़राब हो चुका था, तो इसलिए वीडियो नहीं डाल पा रही, सॉरी। तो आज हम पूरियां बनाएंगे। पूरियां बनाने के लिए हमने आटा लिया है, इसको छान के, और इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा नमक, पूरियों में थोड़ा सा नमक, और इसमें डालेंगे हम थोड़ा ऑयल डालेंगे। इसमें हमने डाल लिया इसमें थोड़ा सा ऑयल, इसको हम करेंगे मिक्स। पूरियाँ बनाने के लिए हमें थोड़ा सख्त आटा चाहिए, ज़्यादा सख्त नहीं, ज़्यादा नरम नहीं, बीज जैसा डो चाहिए। वीडियो नहीं डाल पाई इस वजह से मेरा वॉच टाइम भी बहुत कम हो गया है गाइस। इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके। आटा में पतला नहीं, टाइट भी नहीं, ज़्यादा मीडियम आटा चाहिए हमें। इससे हमारी फूल की पूड़ियाँ बहुत अच्छी बनेंगी। आटा हमारा लग चुका है, हमें इसी तरीके का आटा चाहिए। अब इसको हमें 10 से 15 मिनट के लिए ढक करके रख देंगे। इसको हम 10 से 15 मिनट के लिए ढक के रखेंगे। गैस पर हमने कढ़ाई रख दिया, कढ़ाई में डाल दिया है ऑयल, और हमारे आटे को 10 से 15 मिनट हो चुकी है। तो हम अपना आटा चेक करेंगे। आटा हमारा अच्छा है, फूल चुका है आटा हमारा। एक बार और मसल लेंगे इसको हम, जब तक हमारा ऑयल गर्म हो रहा है हम आटे को और मसल लेंगे एक सेकंड के लिए। अब इसमें से हम लोइयां तोड़ेंगे। इस साइज की हमें लोइयां तोड़नी है। सभी को हम एक साइज की लोइयां तोड़ेंगे। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें, मेरी वीडियो पूरा देखा करें। इस तरीके से हम लोइयां तोड़ेंगे और इसके ऐसे करके लोइयां गोल गोल बना लेंगे पेड़े की तरह, इस तरीके से। इस तरीके से हम बना लेंगे। सारी लोइयाँ बना ली हैं, अब हम इनकी पूड़ी बेलेंगे। थोड़ा सा कढ़ाई में से ऑयल लगाएंगे लोई पर और इसको हम पूड़ियाँ बेलेंगे। ध्यान रहे हमें इसमें सूखा आटा नहीं लगाना है। अब हम अपनी कढ़ाई चेक करेंगे। कढ़ाई हमारी ज़ोर से गर्म हुई, जब भी हमें इसको पूड़ी डालनी है तभी हमारी पूड़ियाँ फूली फूली बनेंगी। इसको रखते हैं साइड में और बेलते हैं। कढ़ाई हमारी गर्म हो चुकी है, ऑयल हमारा अच्छी तरीके से गर्म हो चुका है। इसमें डालेंगे हम पूड़ी। देखो हमारी पूड़ी कैसी फूली है, इसको भी डालेंगे। इसी तरीके से हम सारी पूड़ियाँ
बना लेंगे। अगर आप इस तरीके से पूड़ियाँ बनाओगे तो पूड़ियाँ फूली फूली हमारी बनके रेडी होंगी। पूड़ियाँ हमारी सिक चुकी हैं। अब इनको हम एक प्लेट में निकालेंगे, थोड़ा प्रेस करेंगे ताकि एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए। हमारी पूड़ियाँ कितनी फूली बनके तैयार हुई हैं। इसी तरीके से हम सारी पूड़ियाँ बना लेंगे, इसी तरीके से हम सारी पूड़ियों को बना लेंगे। देखा आपने हमारी पूड़ियाँ कितनी फूली फूली आ रही हैं एकदम। इसी तरीके से हम सारी पूड़ियाँ बनाएंगे। देखा आप लोगों ने मेरी पूड़ियाँ कितनी अच्छी फूली बन बन के तैयार हुई हैं। आप इसी तरीके से पूड़ियाँ बनाओगे तो आपकी पूड़ियाँ भी फूली फूली बन के तैयार होंगी। हमारी पूड़ियाँ हमारी बन के तैयार हैं। देखो आप लोगों ने मेरी पूड़ियाँ कितनी अच्छी फूली फूली बन के तैयार हुई हैं। अगर आप इसी तरीके से बनाओगे तो आपकी भी पूड़ियाँ बहुत अच्छी बनेंगी। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। आज की रेसिपी कैसी लगी बताइएगा ज़रूर।